नमस्कार समस्त को नमस्कार स्वागत समस्त को आ गोटे नुआ वीडियो रे तो यही वीडियो रे हमें आलोचना करिबा आ गोटे नुआ टॉपिक विषय रे ऑब्जेक्टिव्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी तो या ऊपर आज हमें आलोचना करिबा बहुत गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक मन रखन समस्त आईसीटी होची एमिती गोटे टॉपिक जोटा के टीचर मानको फ्यूचर ओरिएंटेड टीचर भाबरे प्रिपेयर करे टाइम टू टाइम अपडेट करे आउ अपडेटेड एरा अपडेटेड सिचुएशन सहित काम करिवार सहाय्य करे सो आपण जो प्रोफेशन रे रहंतु आईसीटी गोटे इंपोर्टेंट पार्ट आजिकालिका समय रे एंड सेम टीचिंग इंडस्ट्री मध्य आईसीटी गोटे बहुत इंपोर्टेंट पार्ट बहन करूची समस्तक लाइफ रे स्पेशली जो माने कि फ्यूचर ओरिएंटेड टीचर तांका लाइफ रे तो आज वीडियो रे मु डिस्कस करिवि दुईटा जिंस ऊपर ऑब्जेक्टिव बा उद्देश्य कोन रहूची आईसीटी रो एवं द्वितीय पार्ट रहिबो कैरेक्टरिस्टिक्स कोन प्योरली जो आईसीटी भीतर जो पार्ट रहूची एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बा ईटी तो ऑब्जेक्टिव और कैरेक्टरिस्टिक्स कोन रहूची ईटी रो तो ता ऊपर आज हमें आलोचना करिबा तो मो सामने रे गोटे बही अछि ए बही मु आपन मान सहित मध्ये शेयर करि देबी जो माने मोर पेड ग्रुप रे अछंती एटा होची गोटे यूनिवर्सिटी आचार्य नगर जन आंध्र प्रदेश कौन स्टेट यूनिवर्सिटी बही नुह अदर यूनिवर्सिटी बही जोटा कि मत कलेक्शन मध्यम मिली तो ताको मोटे मत लगे मो पाखे सब प्रकार आठ दस टा यूनिवर्सिटी बही अच्छी जोटा बहुत भल लगे तो से सब्जेक्ट टाक से बही टाक रेफर करके क्लास टा करे राइट तो प्रथम डिस्कस कर नवा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी बा ईटी रो कोन कोन ऑब्जेक्टिव तापर टिके डिस्कस कर नवा ओके सिंपल केतरा पॉइंट जेते मन रखन तो खाता रे लिखिबे अपन एग्जाम रे तो ए टाइप रे लिखबे प्रथम हेडिंग ते देबे ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी आकु चेष्टा करू सारा ब्लैक इंक रे लिखिबा पई सबट बेटर ओके ब्लैक इंक रे लिखिबा पई तापर ए भली राउंड देई परंती किंबा ए पई अपन डबल आरो देई परंती किंबा सिंगल आरो देई परंती किंबा अन्य किछ स्टार मार्क करि परंती तो ए भली जो गोल गोल दिया जे पॉइंट किंबा पॉइंट 1 2 3 देई परंती बा आई डबल आई एमती पॉइंट देई के रखिले ठीक है आपन को फायदा हबो राइट देखिबा कैरेक्टरिस्टिक्स आउ ऑब्जेक्टिव्स ऊपर ठीक है आलोचना करनवा ओके तो प्रथम पार्ट रहला हमें आलोचना करबा ईटी रो ऑब्जेक्टिव्स कोन कोन नंबर 1 टू मॉडर्नाइज द लर्निंग मेथड्स एंड टेक्निक्स आफ्टर सिस्टमाइजिंग देम सो दैट दिस मे बी टर्न्ड इफेक्टिव अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द चेंजिंग एरा मुसे कथा कहतली फॉर द अननोन फ्यूचर देखंतु आज का समय रे जहा घटुची आमे 10 वर्ष पूर्व ताहा केबे जानि नथिले 20 वर्ष पूर्व ताहा जानि नथिले बट एबे घटुची परिवर्तन होची गोटे परमानेंट जिंस चेंजिंग एरा बा जोरा आमे कहचे युग परिवर्तन होची बा परिवर्तित समय बोली कहचे भविष्यत केही जानिने अननोन फ्यूचर आ युग सता बेले समय परिवर्तन हुए आ परिवर्तन समय कोन घटिबे आमे जानिने किंतु ता पई जोड़े टीचर को प्रिपेयर करे केवल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बा ईटी राइट पॉइंट नंबर 2 देखिबा टू ब्रिंग अबाउट डिजायरेबल मॉडिफिकेशंस इन द बिहेवियर्स ऑफ द टीचर एंड पीपल्स बाय इंप्रूविंग द टीचिंग लर्निंग एंड इवैल्यूएशन कंडीशन राइट टीचर कर हो बा स्टूडेंट मान कर समस्त बिहेवियर चेंज हवा दरकार तांका भितरे मॉडिफिकेशन आसीबा दरकार टाइम टू टाइम ओके मॉडिफिकेशन कोन पई टीचिंग इंप्रूवमेंट पई लर्निंग इंप्रूवमेंट पई आ इवैल्यूएशन कंडीशन रे इंप्रूवमेंट पई राइट मॉडिफिकेशन सब होबा दरकार आ ये सब संभव हो पारे कहा द्वारा केवल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रो इंप्लीमेंट होबा द्वारा राइट पॉइंट नंबर 3 देखिबा टू मेक द क्लासरूम टीचिंग इजी क्लियर इंटरेस्टिंग इफेक्टिव अंडरस्टैंडेबल ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक ये सब आपनकर लेसन आपनकर पीरियड टी आपनकर क्लास टी पूरा क्लियर इंटरेस्टिंग इफेक्टिव बुझिला भलिया हो दरकार आ उद्देश्य कौन समस्त बुझी पार दरकार बेनिफिट कौन जानी पार दरकार ये सब आम एजुकेशन टेक्नोलोजी टी इम्पोर्टेंस अधिक रही जी विदाउट एजुकेशन टेक्नोलोजी आम यूज करवा फर सिंपल आम कह 15 वर्ष ब्लाक बोर्ड में पढ़ा जाता जी इफेक्टिवनेस बर्तमान डिजिटल बोर्ड में पढ़ा अधिक मात्रा इफेक्टिवनेस आसूच राइट से इजीनेस से इफेक्टिवनेस से क्लैरिटी से इंटरेस्टिंगनेस ये सब संभव केवल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बा ईटी द्वारा हो पार राइट नेक्स्ट पॉइंट देखिबा टू हेल्प इन इंक्रीजिंग वेरियस फैसिलिटीज बाय सॉल्विंग द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ द ह्यूमन लाइफ सो दैट ह्यूमन लाइफ मे बी कैरी ऑन इट्स प्रोग्रेस कंटिन्यूअसली देखंतु
मनीष लाइफ रे जेते जेते कॉम्प्लिकेशन रहउची जेते प्रॉब्लम रहउची राइट जेते इश्यूज रहउची ए सब प्रायत टेक्नोलॉजी द्वारा सॉल्व होउची राइट जे कोन से रिलेटेड इशू हेल्थ रिलेटेड इशू एग्रीकल्चर रिलेटेड इशू व्हाटएवर इशू बट सदाबळे एजुकेशन टेक्नोलॉजी रा सपोर्ट रे ही ए सब इशू सॉल्व होई पारुची ओके तो सेही भली सिचुएशन रे एजुकेशन सेक्टर रे मध्ये एजुकेशन फील्ड रे मध्ये अनेक गुडे इशू सॉल्व होउची अनेक गुडे इशू सॉल्व होई जाउची का द्वारा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी द्वारा तो तार फैसिलिटी को लेकिन विभिन्न प्रकार कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करा गयो छि जेमति मनुष्य जीवन रहउ छि सेमति एजुकेशनल फील्ड रे मध्ये होउ छि राइट नेक्स्ट टू आइडेंटिफाई द एजुकेशनल नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द कम्युनिटी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रे व्यवहार न होबो तले जनरेशन कोन डिमांड करउ छि जनरेशन रो नीड को अछि स्पेशली एजुकेशन को लेकिन एसो इन स्टडी एनालाइज करि होबो नाही राइट तो जो स्टडी द नीड टू एनालाइज द नीड ऑफ द सोसाइटी एंड कम्युनिटी निहाते एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रा इंपोर्टेंस अछि टू डिटरमाइन द एम्स ऑब्जेक्टिव्स एंड इन जनरल द स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन एजुकेशन रा एम कोन तार ऑब्जेक्टिव रा उद्देश्य कोन राइट आ जनरल स्ट्रक्चर की भले हवा दरकार स्ट्रक्चर प्लानिंग की भले हवा दरकार ए सब डिपेंड करे ईटी रा यूज द यदि हम विदाउट एजुकेशन टेक्नोलॉजी जीवा ट्रेडिशनल और ओल्ड प्रोसेस रे जीवा सो एगुडा को बहुत कॉम्प्लिकेशन हुए प्लानिंग पे बहुत समय लागि जाय राइट किंतु जेते हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी व्यवहार करू छे एम हो ऑब्जेक्टिव हो किबा एजुकेशन रो स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन रे बहुत सहज हे पारु छे राइट नेक्स्ट रहला टू डेवलप एन इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ आर्ट्स साइंस एंड ह्यूमन वैल्यू ओके एजुकेशन टेक्नोलॉजी रे व्यवहार फले को हो छे हम गोटे इंटीग्रेटेड सिलेबस बा इंटीग्रेटेड करिकुलम इंप्लीमेंट करि पारु छे जो थरे कि कला विज्ञान संस्कृति मानविक जीवन बोध ए सब को मिसई कि हमें गोटे इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम इंटीग्रेटेड करिकुलम बा सिलेबस व्यवहार माने डिस्कवर करके करि परबा एटा केवल एजुकेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रे व्यवहार फल रे हेई परबा राइट गोटे इंटीग्रेटेड सिस्टम जोतरे कि मनुष्य जीवन उपरे मनुष्य जीवन रो मूल्यबोध उपरे साइंस उपरे बा विज्ञान उपरे दर्शन उपरे कला उपरे सब को मिसई कि गोटे इंटीग्रेटेड सिलेबस हमें करि परबा नेक्स्ट रहला to identify and locate material resources and strategies for achieving the desired aims of education dekhadu raila bibhinna prakar material resources rahuchi okay khas karike society re bahut gude aim rahuchi desired aim rahuchi student manankara taku achieve kariba pai specially education to bahut mulya adhika but se case re jodi ame educational technology yavar kar jo education sahita then sete bele kon hobo na लोकल मटेरियल रिसोर्स को भलो भाबरे यूज करा जाय पर विभिन्न नुआ नुआ स्ट्रेटजी यूज करा जाय परबो जहा पर स्टूडेंट मान को जो डिजायर एम अछि जो लक्ष्य रहउछि मानविक लक्ष्य रहउछि से सब पूर्ण हेई परबो नेक्स्ट दुटा पॉइंट टू डेवलप स्पेसिफिक मॉडल्स ऑफ टीचिंग टू ब्रिंग एन इंप्रूवमेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन क्लियर मु कहबा को चाहौछि यदि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हम व्यवहार करबा त टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे बहुत गुड इंप्रूवमेंट आसी परबो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट आसी परबो एवं विभिन्न प्रकार सिलेबस रिलेटेड इंप्रूवमेंट आने टाइम टू टाइम समय और जहाँ डिमांड करते हो टाइम डिमांड करते हो एरा डिमांड करते हो इंप्रूवमेंट मध्य आसी पारी हो राइट देन लास्ट पॉइंट हमें लिखिवा ये ऑब्जेक्टिव केस रे टू डिजाइन मॉडिफाई एंड डेवलप एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट एड्स सुइटेबल एंड रिलेवेंट टू द एजुकेशन प्रोसेस ओके जेति की इक्विपमेंट दरकार जेति की टीचिंग लर्निंग मटेरियल दरकार जेति टीचिंग एयर दरकार से सब डिजाइन करिबा हो बा मॉडिफाई करिबा हो टाइम टू टाइम द्वारा टाइम टू टाइम अपडेट करिबा हो ए सब संभव केवल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी उपरे राइट तो एही पॉइंट गुडा को हम लिखि परिबा आज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी राइट परवर्ती पार्ट देखिबा हम कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स रे किछि पॉइंट मध्य इंपोर्टेंट पॉइंट ए बयटी मु शेयर कर लेबी जो मन अछंती ग्रुप रे भारत दर्शन यूनिवर्सिटी रे बयटी तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो देखियो हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी ता दे किछ पॉइंट रहउची जेमे कि नंबर 1 एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक नॉलेज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ता एजुकेशन सहित कोनो संपर्क नाही एया गोटे एप्लीकेशन बेस्ड सिस्टम जोठि कि साइंटिफिक नॉलेज को यूज कर जाय कि विभिन्न प्रकार एप्लीकेशन तयारी कराउची ता द्वारा एजुकेशन को आउरी प्रमोट करा जाय परउची पॉइंट 2 एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हैज कंट्रीब्यूटेड इन डेवलपिंग वेरियस मेथड फॉर एग्जांपल माइक्रो टीचिंग मेथड सिमुलेटेड टीचिंग इंटरेक्शन एनालिसिस ऑडियो विजुअल एड्स प्रोग्राम लर्निंग तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी
गोटे साइंटिफिक नॉलेज हेले भी से विभिन्न प्रकार मेथड डेवलप करिछि एजुकेशन क्षेत्र जेमति कि माइक्रो टीचिंग हो सिमुलेशन हो इंटरेक्शन एनालिसिस हो वीडियो विजुअल ऑडियो विजुअल एड्स हो किबा प्रोग्राम्ड लर्निंग हो मशीन लर्निंग हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो एमति अनेक जिनस को टेक्नोलॉजी ही जोड़ुछि एजुकेशन सहित। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो देखिबा इन द फील्ड ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी साइकोलॉजी साइंस टेक्नोलॉजी सिस्टम आर्ट ऑडियो विजुअल एड्स एंड मशीन्स आर यूज्ड। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आसीबा फरे तो सब सेक्टर रे आपनकर ऑडियो विजुअल एड्स गुडा का यूज करा जाउची डिफरेंट डिफरेंट मशीन ब्लैक बोर्ड यूजेज कमी जाउची व्हाइट बोर्ड यूजेज कमी जाउची साइंस लैब गुडा का आहुरी इंटीग्रेटेड हो जाउची ओके टेक्नोलॉजी बा आईटी लैब गुडा का आहुरी इंटीग्रेटेड हो जाउची ओके साइकोलॉजी लैब हो टेक्नोलॉजी लैब हो गुडा का बहुत इंटीग्रेटेड हो पारुची। नेक्स्ट रहला एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज हेल्पफुल इन मेकिंग द टीचिंग प्रोसेस ऑब्जेक्टिव इजी क्लियर इंटरेस्टिंग एंड साइंटिफिक। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रे व्यवहार हला फले कोन होची सब गुडा का जते सब क्लासेस रहूची टीचिंग प्रोसेस रहूची तर ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाउ स्टूडेंट मन पई स्टूडेंट जानी पछि काहे की हम एटा पढुचु राइट ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाउची। द्वितीय जेहेतु टेक्नोलॉजी यूज होउची इजी हो जाउची मध्य मेथड इजी हो जाउची। नेक्स्ट रहला क्लियर रहूची स्टूडेंट माने क्लियर जानी पारछंती कोन से माने पढ़ा को जाकर पढ़ा फल फायदा कौन हम तर एम कौन रोची ये सब जिनस जापार देन जेहेतु टेक्नोलॉजी यूज हो तो आगे इंटरेस्टिंग लगुच आउ साइंटिफिक लगुच सब प्रूफ प्रमाण प्राक्टिकाल रोच तो साइंटिफिक लगुच ओके। नेक्स्ट इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी द प्रोविजन ऑफ मेजरिंग टूल इज एम्फसाइज फॉर द इवैल्यूएशन एंड लर्निंग आउटकम्स बोले समय थी इवैल्यूएशन हो मार्किंग प्रोसेस हो रिजल्ट ये सब होता कौन कि मैनुअली कर तो जो थे कि विश्वास भरोसा टी कम होता बेले बेले मिस्टेक ह्यूमन एरर ह्यूमन मिस्टेक हमारे चांसेस रोला बट आफ्टर एजुकेशन टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट हाला फल तो मार्किंग प्रोसेस मेजरिंग टूल बा इवैल्यूएशन प्रोसेस आहुरी क्लियर हो पारी जोटे कि ह्यूमन एरर आउ ह्यूमन मिस्टेक चांसेस कमी जाए सो दैट एजुकेशन फील्ड रे ये आउ गोटे इवैल्यूएशन आसी जाए राइट। नेक्स्ट रहा डिजायर्ड चेंजेस आर पॉसिबल इन द बिहेवियर ऑफ टीचर्स एंड पीपल्स टाइम टू टाइम जहाँ दरकार से ही टाइप ऑफ बिहेवियर चेंजेस कर शिक्षक हूँ स्टूडेंट को हूँ दैट बिकज देयर इज एजुकेशन टेक्नोलॉजी एजुकेशन टेक्नोलॉजी थी एगुक। नेक्स्ट रहा एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज ए कंटिन्यूअस एंड डायनामिक टेक्नोलॉजी देखो टाइम टू टाइम जमीन यूज करते विभिन्न आप टाइम टू टाइम अपडेट हो टाइम टू टाइम सपोर्ट कर चलिए डायनामिक टेक्नोलॉजी हिसाब से जमी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी गोटे दिनिकिया दिदिनिकिया टेक्नोलॉजी नुह इट्स ए कंटिन्यूअस टेक्नोलॉजी इट्स ए डायनामिक टेक्नोलॉजी लॉन्ग टाइम यूज हो बट तरह किसी अपडेट आसुव राइट। नेक्स्ट रहा एजुकेशन टेक्नोलॉजी एनकरेजेस लर्निंग बाय कंट्रोलिंग द एनवायरमेंट ओके टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट सहित सोसाइटी सहित जड़ित था सोसाइटी एनवायरमेंट सपोर्ट हम चले तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी एनकरेज करे कौन एनवायरमेंट कंट्रोल को एनवायरमेंट कंट्रोल करके लर्न करिवारे राइट। तो जी आपको पचार कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी ए पॉइंट आप लिखिपारे घोषिक मन रखा पड़ो थे भले बुझा पड़ो खाली घोषिक रखिले मन ना प्रथम बुझा पड़ेगा मन रखा पड़ो ऑब्जेक्टिव हेल्ले एमती लिखे आप पॉइंट देते प्रथम लाइन टा हेडिंग ब्लैक इंक लिखे तले कोड जो गोटे गारंट दौर ब्लैक इंक पारे देन ये सब्जेक्ट मैटर लिखे आपको आप ब्लू रे लिखिपर जो चिन्ह दौरान चिन्ह को ब्लाक देपारे तो रेड ग्रीन ये सब क्लीन यूज करवानी केवल ब्लाक आउ ब्लू यूज करवा हेडिंग अंडरलाइन ब्लाक यूज करवा जो मार्क दौर साइड स्टार मार्क हो डॉट हो आरो मार्क हो जहाँ भी दौचे ब्लाक देखे इजी आईडेंटिफाई हम बट सब्जेक्ट मैटर से ब्लू रखे जेल पेन नुह बल पेन लिखा राइट। तो ये गोटे छोटिया सेसन जो डिस्कस कले ऑब्जेक्टिव एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी आम कौपर आसाला आईसीटी फॉर एनरिचिंग टीचिंग एंड लर्निंग पेपर आम नहीं राइट होप समस्त बुझीपारे जदि किसी कौन से डाउट था डेफिनेटली कमेंट माध्यम से पचारंतु पुणी देखा नुआ वीडियो नुआ इनफर्मेशन सहित से समस्त धन्यवाद नमस्कार हैप्पी लर्निंग टू ऑल।